दोस्तों, एक्सलेंट फार्मेसी कोचिंग के आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपका आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिनिमेंट और लोशन में डिफरेंस। ठीक है, तो आज हमें डिफरेंस देखना है लिनिमेंट और लोशन में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहां पर बोर्ड पर डिस्क्राइब कर दिया है, लिख के दे दिया है, तो उसको थोड़ा सा डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डोजेस फॉर्म। तो जो लिनिमेंट होता है और जो लोशन होता है उसके डोजेस फॉर्म की बात करते हैं। तो लिनिमेंट जो होता है वो लिक्विड या सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होता है, और जो लोशन होता है वो भी लिक्विड प्रिपरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन। दे आर अप्लाइड टू स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग। ओके, दे आर अप्लाइड टू स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग। जब हम इन लिनिमेंट्स का यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर, तो इनको हम घर्षण के साथ यूज़ करते हैं, या रबिंग है ना, उनको रब करना, रगड़ना या घर्षण करना। ठीक है, जैसे कोई क्रीम होता है उसको लेते हैं और उसको इस तरह से रब करते हैं। ठीक है, या फ्रिक्शन करते हैं। एंड लोशन की बात करें तो दे आर अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन। लोशन जो होते हैं उनको फ्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इसमें लोशन है, तो मैंने लोशन लिया हाथ में, उसको इस तरह से हाथों में लिया और जिस जगह पर अप्लाई करना है स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में हम देखते हैं दे आर प्रिपेयर्ड विथ एल्कोहल एंड लोशन। एल्कोहल इज समटाइम एडेड इन द एक्वस सॉल्यूशन। लिनिमेंट जो होते हैं वो एल्कोहल से प्रिपेयर किए जाते हैं, और जो लोशन होते हैं वो जनरली एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में एल्कोहल भी इनके अंदर एड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो ये जो लिनिमेंट होते हैं ये मोर विस्कस होते हैं, और जो लोशन होते हैं वो लेस विस्कस होते हैं एज कम्पेयर टू लिनिमेंट। ओके, देन कंडीशन की बात करते हैं। तो दे आर अप्लाइड आफ्टर टेकिंग बाथ एंड दे आर अप्लाइड बिफोर बाथ। मतलब ये बाथ लेने के बाद यूज़ किए जाते हैं, मतलब अच्छे से जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है शरीर की, शरीर को साफ करने के बाद यूज़ किए जाते हैं, और ये शरीर से पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, एरिया शुड दे शुड नॉट बी अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन। जो लिनिमेंट्स होते हैं उनको जो स्किन ब्रोकन हुई है, टूट फूट गई है, या फिर जहाँ पे चोट लग गई है, उन जगह पर लिनिमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर एल्कोहल होता है जिसकी वजह से उस जगह पर इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस होता है। एंड लोशंस अप्लाई डायरेक्टली टू स्किन। कंपोजिशन की बात करें किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो ये एल्कोहलिक या ऑयली सॉल्यूशन होता है, और जो लोशन होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट हम यूज़ की बात करते हैं। लिनिमेंट कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ यूज्ड एज एनाल्जेसिक, सूथिंग, रूबिफिशिएंट एंड स्टिमुलेट प्रॉपर्टी। ये एनाल्जेसिक होता है, दर्द निवारक होता है, सूथिंग इफेक्ट मतलब जिस जगह पे हम अप्लाई कर रहे हैं उस जगह पे ठंडक देने वाला होता है, रूबिफिशिएंट मतलब का होता है कि रब करने वाली प्रॉपर्टी, और स्टिमुलेंट मतलब कि स्टिमुलेट करने वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंड लोशन की बात करें तो दे आर यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक एक्शन। ये एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो लिनिमेंट में कौन सा एग्जांपल आएगा, केम्फर लिनिमेंट, और लोशन में कौन सा एग्जांपल आएगा, केलेमाइन लोशन। ओके, थैंक यू।